हे गाइस, आपने अब तक कई सारे फुटवेयर यानी कि सैंडल्स ट्राई किए होंगे, पर क्या आप उनके तरह तरह के नाम जानते हैं? नहीं जानते? तो आज मैं आपको उनके स्पेशल और प्रोफेशनल नाम बताऊंगी। बट स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पहले नंबर पे हैं ये बड़े से प्यारे से क्यूट से किटन शूज। ये आप सभी ने देखे भी होंगे और जाहिर सी बातें पहने भी होंगे, पर क्या आप जानते हैं इन्हें किटन शूज कहा जाता है। इनकी हील लगभग हमेशा 1 से 2 इंच ही रहती है। इस तरह के शूज या सैंडल्स पहनना लगभग हर लड़की की ख्वाहिश होती है और इन्हें कहा जाता है स्टिलेटो शूज। इसे पहनने के बाद आपकी हाइट 6 से 7 इंच तो आसानी से बढ़ी जाती है। आप इन्हें पेंसिल हील्स के नाम से भी जानते होंगे। तो इसके आगे पीप करते हुए हम पहुंचे हैं पीप टो सैंडल्स की तरफ। ये सैंडल्स या शूज या बेली इस तरह के तो आप सभी ने पहने ही होंगे। इसमें आगे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा खुला रहता है जो कि स्टाइल और खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ा देता है। एंड द नेक्स्ट इज टिपटो सैंडल्स या तो टिपटो शूज। इस तरह की बेली अपने डिजाइन से ही अपना लुक बयां करती हैं, क्योंकि आगे की तरफ से वी होते हुए पॉइंटेड होती हैं। इसे पहनने से आपके पैरों में एक नया ग्लैम लुक फॉर्म हो जाता है और लगभग सभी लड़कियां इसे पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। हाँ, तो नेक्स्ट बारी आती है प्लेटफॉर्म हील्स की। अब जो लड़कियां हील्स पहनना पसंद करती है पर पेंसिल हील नहीं पहन सकती, तो वो इस तरह की हील्स पहन के अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती हैं। इस तरह की हील्स आपके बॉडी को बैलेंस भी करती है और आपके हाइट को बढ़ाने के साथ साथ आपको एक स्टाइलिश लुक भी देती है। आप लोगों ने डिजाइनर आउटफिट्स के बारे में तो काफी सुना होगा, पर क्या आप जानती है कि डिजाइनर फुटवेयर यानी कि डिजाइनर शूज या सैंडल्स भी होती हैं। इनकी कीमत मार्केट में हजारों लाखों से भी कई ज्यादा होती है और वो कीमत इनके कंप्लीट लुक पे डिसाइड होती है। कई सारे सेलिब्रिटीज तो अपने कस्टमाइज शूज भी बनवाते हैं। कस्टमाइज स्टाइलिश और डिजाइनर होने की वजह से ये सिर्फ एक ही कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो इनकी रिक्वेस्ट करता है बस उसके लिए। तो नेक्स्ट है ब्लॉक सैंडल्स। इनकी हील ज्यादा करके स्क्वायर शेप होती है। ये दिखने में जितने सिंपल हैं उतने ही पहनने में आसान है। अगर आप चाहें तो इन्हें कॉलेज वेयर, ऑफिस वेयर या तो फिर नॉर्मल वेयर भी यूज कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ फुटवेयर को लेकर आप लोगों की भी जानकारी काफ़ी बढ़ गई होगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और जानते रहिए और सीखते रहिए कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कोई आपसे शेयर करता हो। तो सच बताइएगा, आप इनमें से कौन से सैंडल्स के नाम पहले से जानती थी? और हाँ, कौन से सैंडल्स आपके फेवरेट हैं ये भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक छोटा सा काम, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी कर लें।